नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन सर्च लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप न्यूज की। जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी एक्ट में डीक्रिमिनलाइज पर फैसला लिया गया है, यानी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। वहीं गुटखा पान मसाला पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट पर विचार नहीं हो पाया। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल समय की कमी के कारण तंबाकू और गुटखा पर टैक्सेशन पर चर्चा नहीं कर सकी। बैठक में रिफाइनरियों के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण की अनुमति 5% की रियायती दर पर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने केरल के वायनाड से उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी 2019 के आम चुनावों में वायनाड से निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी के निर्वाचन को सरिता एस नैयर ने 31 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने ये याचिका खारिज कर दी। याचिका में वायनाड और एर्नाकुलम में लोकसभा चुनावों को चुनौती दी गई थी। 2 नवंबर 2020 को राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। बिल्किस बानो ने 2002 में उनके साथ दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती दी थी। इस साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने अपने 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। चीन के साथ तनातनी के बीच पीएम मोदी 18 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट का दौरा करेंगे। पीएम मोदी मेघालय के शिलोंग में कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, राज्यपाल और नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। चीन के साथ तनातनी के बीच पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को तवांग के यांगत्से क्षेत्र का दौरा किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि राहुल गांधी न केवल भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या है, बल्कि वह देश के लिए भी बहुत बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन गए हैं। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। किरेन रिजिजू ने भारतीय जवानों के साथ ट्विटर पर फोटो भी शेयर किया है। सीबीआई ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी और 2 ज्वेलरी ब्रांड्स के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर 3 नई एफआईआर दर्ज की है। शिकायत के मुताबिक मेहुल चौकसी और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड और गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का नाम नए घोटाले में सामने आया है। बैंक के मुताबिक चौकसी और इन दोनों ज्वेलरी ब्रांड्स ने पंजाब नेशनल बैंक और कई अन्य बैंकों को 6,746 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान पहुंचाया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के रिश्तेदार के घर शराब की बोतल मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नीतीश सरकार को घेरते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। मेरे समधी के यहाँ से शराब नहीं मिली है, वो मुझसे माफी मांगे, नहीं तो मान हानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर तस्वीर जारी की गई थी, जिसके बाद लखीसराय में एफआईआर दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने विधानसभा में सदन की कार्यवाही खत्म होने के ठीक पहले विपक्ष के नेता विजय सिन्हा के रिश्तेदार की आवाज से बड़ी संख्या में शराब की बोतल बरामद होने की सूचना दी थी। बिहार में जहरीली शराब का कहर थम नहीं रहा। सारण जिले में जहरीली शराब के चलते हुई मौतों का आंकड़ा अब 70 के पार चला गया है। सारण, सिवान और बेगूसराय में भी शराब के चलते मौतें हुई। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान पीड़ित परिवारों का दुख बांटने पहुंचे। लोगों ने अपना दर्द चिराग को बताया। इस दौरान लोगों का दर्द सुनकर चिराग भी भावुक नजर आए। इसके बाद सीएम नीतीश पर चिराग पासवान जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 150 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, जो हत्या है, जहर पिलाकर लोगों को मारा गया। इसके दोषी सीएम नीतीश कुमार है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिला अधिकारी के आदेश पर मुख्तार अंसारी की मां और उनकी बहन के 2 प्लॉट कुर्क किए गए हैं। इनकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। इसकी जानकारी गाजीपुर के सीईओ एसबी सिंह ने दी। मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में ईडी ने मुख्तार अंसारी को रिमांड पर लेने की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली थी।
कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने उसे 10 दिन के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है। लगातार 10 दिन तक उनसे पूछताछ होगी। अब खबर खेल जगत से। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया जीत के 4 विकेट दूर है। मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में स्टंप्स तक 6 विकेट पर 272 रन बना लिए हैं। शाकिब अल हसन 40 और मेहदी हसन मिराज 9 रन बनाकर नाबाद है। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए हैं। उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला है। मैच के आखिरी दिन रविवार को बांग्लादेश को जीत के लिए 241 रन बनाने होंगे। चौथे दिन के खेल में बांग्लादेश की ओर से जाकिर हसन ने अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जमाया। ये डेब्यू पर शतक जमाने वाले चौथे बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।